करे क्या करे क्या हर मैदान फतेह भारत माता की ध्यान तो सर जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स सर सीजीएसटी एक्ट कोई भी टैक्स ज्यान्द्र कोई भी टैक्स जब चार्ज होता है बेटा तो जिस एक्ट से वो चार्ज होता है जैसे सीजीएसटी एक्ट सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017। सर हर एक्ट का सेक्शन वन दिया होता है सेक्शन में लिखा होता है क्या सर शोर्ट टाइटल एक्सटेंट हाँ है ना भाई क्लियर सर इसका नाम क्या होगा कहां अप्लाई होगा और कमेंसमेंट कब से अप्लाई होगा बेटा क्लियर तो सेक्शन वन में दिया हुआ था क्या इस एक्ट का नाम है क्या सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट टू थाउजेंड सेवेंटीन कमेंसमेंट कब से शुरू होगा बेटा फर्स्ट जुलाई से होगा दिल थाम के सुनेगा फर्स्ट जुलाई सेवनटीन को जब आया था तब यह बोला था क्या अप्लाई होगा पूरे <coughs> इंडिया में अप्लाई होगा एक्सेप्ट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर क्योंकि पहले आर्टिकल नंबर 370 हुआ करता था बेटा जिसमें लिखा हुआ था, था क्या कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी अच्छा एक मिनट पहली बात तो ये कोई मिसकनसेप्शन ना रखे कश्मीर हमारा था हमारा है और हमारा रहेगा नो डाउट ऑन दैट पर सर वहां पे एक आर्टिकल 370 सेवेंटी किया हुआ था वहां बोला था क्या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी एक्ट कोई भी कानून कश्मीर में अप्लाई होगा अगर वो उस कानून के लिए उस स्टेट गवर्नमेंट की कॉन्करेंस मिल गई तो मतलब जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट गवर्नमेंट वहां पे ओके करेगा यस करेगा तो ही वो पर्टिकुलर एक्ट कश्मीर में अप्लाई होगा वन एक्ट कश्मीर में अप्लाई नहीं होगा वरना देखा जाए तो नॉर्मली क्या होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई कानून होता तो कहां अप्लाई होता है बेटा पूरे इंडिया में अप्लाई होता है बच्चा और किससे पूछने की जरूरत भी नहीं बेटा उनको क्लियर पर पे सर क्या था बच्चा जम्मू एंड कश्मीर ने बोला था क्या नहीं नहीं नो no डाउट हम इंडिया का पार्ट है पर सर इंडियन गवर्नमेंट का कोई भी एक्ट हमारे यहां प्लाया तभी होगा जब हम भी हाँ बोलेंगे तब क्लियर समझे मेरी बात क्लियर इसलिए है. सर फर्स्ट जुलाई सेवनटीन को जब जीएसटी आया तब तब तक <coughs> जम्मू एंड कश्मीर स्टेट गवर्नमेंट की कांग्रेस हमको नहीं मिली थी बेटा इसलिए फर्स्ट जुलाई सेवेंटीन को जब जीएसटी आया तब लगा पूरे इंडिया में एक्सेप्ट स्टेट ऑफ जम्मू एंड एंड कश्मीर कश्मीर एक्सेप्ट स्टेट ऑफ जम्मू पर <coughs> सात जुलाई को मान गई महबूबा मुफ्ती बेटा सीएम बेटा जम्मू एंड कश्मीर की बेटा क्लियर मान गए और सर एक स्पेशल ऑर्डिनेंस पास करके सी जी एस टी एक्ट वॉज एप्लीकेबल टू कश्मीर ऑल्सो फ्रॉम एथ ऑफ जुलाई टू थाउजेंड से हाँ है ना भाई क्योंकि जीएसटी अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता तो नुकसान उन्हीं को था बेटा Destination -based consumption tax बेटा जो भी डिलीट तो तो। तो हो हाँ, होने के बाद आर्टिकल थ्री सेवेंटी डिलीट होने के बाद तो ये वाली बात आएगी नहीं क्योंकि सर कश्मीर हो या कोई भी स्टेट हो सब और इक्वल बेटा हा है ना भाई क्लियर ठीक है सर ये था सेक्शन वन

ये लिखा होना चाहिए हर एक्ट में उस सेक्शन को बोलते हैं चार्जिंग सेक्शन क्या बोलते सर उसको क्योंकि उस सेक्शन की वजह से टेक्सट चार्ज होता है बेटा है हाँ ना एंड दैट चार्जिंग सेक्शन सेक्शन इज अंडर एक्ट दिल थाम के देखेगा बुक्स में बिल्कुल नहीं बेटा बुक्स में नहीं बेटा मैं यहाँ पे ऐसा बताऊंगा सर दिमाग खराब बेटा आपका सर हर एक चीज आपको यहाँ पे सर समझनी दिल तक उतारनी बेटा क्लियर ध्यानंदर बच्चों सरकार सेक्शन नंबर नाइन सब सेक्शन वन ऑफ दी सीजीएसटी एक्ट हम क्या पढ़ रहे बेटा भी सीजीएसटी एक्ट 2017 शुरू कर दिया हमने बच्चों और सर सीजीएसटी एक्ट सेक्शन नंबर नाइन सब सेक्शन नंबर बोलता है क्या दिल थाम के देखना बेटा सर सीजीएसटी जी बी ऑन इंट्रास्टेट सप्लाय ऑफ वॉट गुड्स और सर्विसेज और बोथ इधर इधर दिल और दिमाग इधर कॉपी कलनर सर कोई लोड नहीं सर सी जे सी शेल बी लेविड ऑन इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ एक्सेप्ट एक्सेप्ट एल्हल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन दारू कभी तो बेटा आपने? जरूरी नहीं बेटा हर वो चीज़ जो आपको आनी चाहिए वो आपने एक्सपीरियंस करी हुई बेटा ऐसे जरूरी नहीं बेटा हाँ ना बेटा क्लियर बहुत सारी चीजें बेटा आपको आती होगी पर आपने हो सकता एक्सपीरियंस नहीं किया हो बेटा लाइफ में क्लियर तो सर <laughs> अरे तू यार ऐसे मत बेटा यार सर इसमें क्या है सर सुनना जैसे बंजी जंपिंग बेटा दुबई में होता है बेटा बंजी जंपिंग बेटा ऊपर से करना बेटा आपने देखा है आपको आता है बेटा कैसे होता okay. माइंड की डायरेक्शन कहीं और रही थी बेटा मैंने कहीं और डाल दी बेटा ओके बेटा सर एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन आई रिपीट सर एल्कोहल लिकर के इंडस्ट्रियल यूज भी है बेटा जैसे सर दारू सर एल्कोहल लिकर के इंडस्ट्रियल यूज भी बेटा जैसे दारू किसमें काम आता बेटा सर जैसे दवाई बेटा बहुत सारे लोग ले दारू दबाया बेटा है हाँ ना, क्लियर सर सुनना, सर मेडिसिन बनाने में बेटा सैनिटाइजर में बेटा परफ्यूम्स में शैंपू में कई सर जगह पे सर एल्कोहल काम आता है बेटा सर तो देना वहां पे तो जीएसटी है एलको लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन सर उस पर जीएसटी नहीं लगता पता है क्यों पता है क्यों सर क्योंकि बिफोर जीएसटी दारू पर दारू अगर अपने मैन्युफैक्चर करी क्या बने करी बेटा मैन्युफैक्चर तो उस पर लगता था क्या स्टेट एक्साइज ड्यूटी क्या लगता था बच्चा मतलब उसके मैन्युफैक्चर पे एक्साइज लगता था पर वो रेवेन्यू किसका था बेटा स्टेट गवर्नमेंट का था, था? वो रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं था प्लस दारू बेचने में क्या लगता था बच्चा वेट वो भी किसका रेवेन्यू बच्चा स्टेट गवर्नमेंट का मालिक अगर वो भी स्टेट गवर्नमेंट का एक्साइज भी स्टेट गवर्नमेंट का सर दोनों रेवेन्यू किसको मिलता था बच्चा स्टेट गवर्नमेंट को क्योंकि मोदी जी ने बोला हम तो पीते नहीं बेटा हा क्लियर सर हम तो चाय पिला देते लोग तो बोल दिया क्या अगर हम चाय पीते कुछ भी पीते बेटा उससे पंचायत पर पॉइंट <laughs> <point. laughs> ये नहीं बोला बोला क्या सुनना बात को ध्यान से सर सुनना अच्छा मोदी जी ने ये भी नहीं बोला हम पीते नहीं बेटा क्योंकि सर धनी चढ़ती शराब से नहीं चढ़ती माहौल से है सर अगर चढ़ती शराब से तो नाचती बोतल हाँ है ना भाई सर इसे ध्यान चढ़ती शराब से नहीं चढ़ती माहौल से है और माहौल शराब से नहीं बनता है माहौल हम सब से बनता है बेटा सर सुनना बात ध्यान से <clears throat> तो मालिक इन केस ऑफ जीएसटी क्या बोला सर अगर जीएसटी लगता अगर दारू को जीएसटी में ले आते तो मिल बाट के पीते बैठा ये लोग आधा तेरा आधा मेरा पर मोदी जी ने बोला हम पीते नहीं है और स्टेट ने बोला क्या हम केवल पीते हैं क्योंकि हम अकेले पीते हैं क्योंकि बिफोर जीएसटी इस पे एक्साइज था वो भी किसका था बेटा स्टेट गवर्नमेंट का बिफोर जीएसटी इस पे वेट था वो भी किसका था बेटा स्टेट गवर्नमेंट का था सर पूरी की पूरी रेवेन्यू किसको मिलती थी बेटा स्टेट को मिलती थी तो सर स्टेट गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि वी वॉन्ट मर्ज द रेवेन्यूफ जी ऑफ एल को लिकर ए नीएसटी वरना हमारी रेवेन्यू कम हो जाएगी आधी आपको डिवाइड करनी पड़ेगी सर एंड वी डोंट वॉन्ट टू लूज आर रेवेन्यू इसलिए सर एल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को मर्ज नहीं किया जीएसटी में बेटा क्लियर और चार्जिंग सेक्शन में लिख दिया बेटा कि सारी गुड्स और सारी सर्विस पे क्या लगेगा बच्चा जीएसटी एक्सेप्ट लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन क्लियर समझे मेरी बात तो सी जीएसटी एस शेल बी लेविड ऑन स्टेट सप्लाई ऑफ वॉट गुड्स और सर्विस और बोथ एक्सेप्ट लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एट द रेट विच विल बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट अच्छा सुनना नोटिफाइड गवर्नमेंट मतलब हमने गवर्नमेंट को डेलीगेट पावर दे दिया बेटा क्या पावर की जीएसटी गवर्नमेंट एक्सरसाइज नहीं कर सकती जब तक जीएसटी काउंसिल ने उनको रिकमेंडेशन नहीं दिया इसलिए सर एट द रेट नोटिफाइड बाई बट ऑन ऑफ दी क्या देता हूं ऑन रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल तो जीएसटी काउंसिल रेट ऑफ टैक्स डिटरमाइन करेगी चेक करेगी क्या होनी चाहिए रेट ऑफ टैक्स वो रिकमेंड करेगी किसको गवर्नमेंट को और वो गवर्नमेंट क्या करेगी फिर नोटिफाई करेगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर वही कौन करेगी बेटा स्टेट गवर्नमेंट भी नोटिफाई करेगी बच्चे क्लियर एट द रेट नोटिफाइड द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल बट यू नो द मैक्सिमम रेट ऑफ जीएसटी कैन मैक्सिमम रेट ऑफ सी जीएसटी कैन बी The maximum rate of CJC can be twenty percent. Kita bitta? The maximum rate of CJC can be it means the maximum rate of JC can be. The maximum rate of JSC can be forty percent. Clear? सी जीएसटी का मैक्सिमम कितना बेटा ट्वेंटी जितना सी होगा मैक्सिमम उतना ही कितना होगा बेटा एस जीएसटी होगा सो टोटल विल बी हा भाई क्लियर द मैक्सिमम रेट ऑफ जीएसटी विल बी फोर्टी परसेंट बेटा सो सी जीएसटी मैक्सिमम ट्वेंटी परसेंट अब ये जो भी जीएसटी किस पे लगेगा बेटा सर दिस जीएसटी विल बी चार्ज ऑन वैल्यू ऑफ सप्लाई

वैल्यू ऑफ सच गुड्स पर सेक्शन में फिफ्टीन नंबर पढ़ेंगे इट शैल बी पेबल बाय अ टैक्सेबल पर्सन फुल स्टॉप बच्चों, बच्चों, इट शैल बी पेबल बाय अ टैक्सेबल Person. अच्छा बच्चों एक बात एक बार लिख दो जरा चलो ओके okay? अभी ध्यान मिलते हो बेटा ठीक है अब मेरी एक रिक्वेस्ट है बच्चों हर सब्जेक्ट को पढ़ने का तरीका अपने आप में अलग होता है बेटा हर इंसान का पढ़ाने का तरीका भी अलग होता है सर हर इंसान का बोलने का तरीका भी अलग होता है बच्चों क्लियर है ना ये तो आप समझते बच्चों सो वट आई वॉन्ट फ्रॉम यू कि जब मैं यहाँ पढ़ाता हूँ आप पूरा दिन मेरी तरफ के बच्चे क्लियर सर मेरा पैटर्न क्या है पढ़ाने का सर जो फर्स्ट लाइन में बोल रहा हूं बेटा उसको लास्ट लाइन तक मैं क्या कर देता हूँ कनेक्ट कर देता बेटा क्लियर सर आपने देखा होगा सर हमने जो भी पढ़ा ना सर आपको फर्स्ट लाइन से लेकर लास्ट लाइन तक आपको पता है बेटा क्या हो रहा है

आपका और मेरा मैनेजमेंट ही सर यार मेरे को पढ़ना और आपको पढ़ाना है सर कुल मिला के क्लियर तो हम लोगों की ट्यूनिंग हाँ बच्चों तो जब मैं पढ़ाऊं तब ध्यान में देता बच्चों बाद में जो लिखना होगा बेटा सर मैं आपको लिखने के लिए टाइम दे दूंगा मतलब मैंने आपको बताया ना सर वी कैन क्लिक ऑफ दिस और ब्रेक के अंदर या आफ्टर जब आपकी क्लासेस खत्म हो जाती बेटा टाइम आप घर जाऊं आपको लिख सकते हो बच्चों आप लोग ठीक है तो क्या होगा आपका रिदम बना रहेगा यहाँ पे बेटा क्लियर और सर मैंने बताया ना आपको जैसे जैसे चढ़ती शराब से चढ़ती माहौल से तो मैं यहाँ पढ़ाई का माहौल बना दूंगा सर आपके लिए क्लियर सर हर एक बात ऐसी याद कराऊंगा कि हिंदुस्तानी कोई बुक उठा लेना सर आपको सब कुछ याद आएगा क्लियर ये दम से पढ़ाऊंगा मैं आपको सर पर आपका ध्यान पूरा धन चाहिए बच्चों हाँ है ना भाई क्लियर और आप और मैं बात करनी चाहिए सर क्या करनी चाहिए बेटा बात क्लियर कोई बात में कर, रहा हूं, तो आप कर रहा हूं, आपको आंसर देना है बात खत्म सर क्लियर फिर देखो आप जो रंग जमेगा सर सर खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे तीन यार आप में और जीएसटी है ना क्लियर जमा देंगे सर हम हाँ सर सर सुनना बात को ध्यान से तो सर वापस देखना एक बार ध्यान से सीजीएसटी शेल बी लेविड केवरा सर सीजीएसटी शेल बी लेविड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ हां ना भाई सर ऑन गुड्स और सर्विस और बोथ टी विल बी लेविड एक्सेप्ट दारू बेटा वेरी गुड बेटा सर बो जैसा इंसान वैसे एग्जाम्पल देने पड़ते बेटा मेरे को सर एक्सप एल्को लिगर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन क्लियर हाँ बेटा अपने आपको देख लो जाके बेटा सर लिगर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एट द रेट नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट सर एट द रेट नोटिफाइड बाय गोटिफाइड बाई दिकमेंडेशन ऑफ दी एस टी काउंसिल बट द रेट ऑफ टैक्स ऑफ सीजीएसटी विल बी मैक्सिमम ट्वेंटी परसेंट ऑफ व्हाट वैल्यू ऑफ सच गुड्स और सर्विस और बहुत एंड इट शेल बी पेबल बाय अ टैक्सेबल पर्सन इट शैल बी पेबल बाय अ टैक्सेबल पर्सन ठीक है सर क्लियर ओके okay, ये मैंने लिखा है अब सुनना एक ही बात समझते बच्चा ठीक है सी जी एस टी शेल बी लेविड वोट मै लेवी चार्ज होता है टैक्स लगेगा टैक्स इंपोज होगा कौन सा टैक्स बेटा सीजीएसटी सीजीएसटी चार्ज होगा इंपोज होगा टैक्स लगेगा कब ऐसा कौन सा आप काम करोगे हिंदुस्तान में जिसकी वजह से ये टैक्स लगेगा देखो ध्यान से बेटा आप सर कब लगेगा बेटा ये ऑन स्टेट सप्लाई किसका गुड्स हो या सर्विस हो या उसका कॉम्बिनेशन बेटा बहुत का मतलब कॉम्बिनेशन बेटा बात करेंगे बाद में बेटा धीरे धीरे समझ आएगा आपको क्लियर एक्सेप्ट दारू बेटा दारू कौन सी बेटा पीने वाली बेटा है ना बेटा क्लियर ये दारू नहीं बेटा पानी है क्लियर सर पानी भी कहा होता है ऐसा नहीं बेटा सर सुनना पर पानी भी क्या है बेटा जीएसटी दारू पे पे लगता है क्या वेट स्टेट एक्साइस ड्यूटी बेटा हाँ है ना भाई क्लियर समझे मेरी बात बच्चों? ओके 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 तो सर सी जीएसटी लेवी कब होगा बेटा बोलो सर लेवी कब होगा अरे यार आप मुझे बताओ ऐसा कौन सा आप काम करोगे हिंदुस्तान में जिसकी वजह से जीएसटी लगेगा सर अच्छा एस जीएसटी कब लेवी होगा एस जीएसटी इंट्रास्टेट सप्लाई विद इन देटाजीएसटी कब लगेगा बेटा चीज पढ़ा है, तीन बार बोला बेटा मैंने आपके दिल तक तो उतर गया बेटा फिर मैंने जो पूछा सब आपको आता है बेटा क्योंकि मैंने फंडा समझा दिया बेटा आपको यह चाहता हूँ क्लियर सर मेरा पैटर्न ये है पढ़ाने का बेटा कि एक चीज को इतना शानदार उतारो अंदर कि बाकी चीज अपने आप आ जाए बेटा घर जाके याद नहीं करना पड़ेगा सर आपको घर जाके देखना पड़ेगा हाँ ये भी आता है ये भी आता है ये भी आता है ये भी आता है भारत माता की जय क्लियर सर दो तीन लगेंगे सर अभी अपने को पर हाँ आपको समझ में आ जाएगा कि सर कैसे पढ़ना और क्या पढ़ना बेटा और पढ़ना है मेरे को बेटा ओके okay? सर धन बच्चा एक दो चैप्टर लगाएंगे ना सर तो आपको समझ में आएगा अरे भाई दिमाग खराब है बेटा इधर को अरे क्लियर समझे मेरी बात सो मस्त होके आप सुनिए मस्त होके पढ़िए इन्वॉल्व हो बात में बस

सी जी लेविड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ सप्लाई गुड्स और और एक्सेप्ट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। दारू तो मैंने ठीक है लिखा है पर आप क्या नाम रखेंगे no. और एल्कोलिकर मत लिखे ना बेटा एल्कोलिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, पूरा एट द रेट नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल बट द मैक्सिम रेट ऑफ जीएसटी अभी जो टैक्स लगेगा किसपेगा बेटा वैल्यू पेगा भाई क्लियर वैल्यू ऑफ सच गुड्स चलिएुडर लेवी टैक्स लगेगा टैक्स चार्ज होगा टैक्स इंपोज होगा ऐसा कौन सा आप काम हिंदुस्तान में करे हो जिसकी वजह से टैक्स लगेगा बच्चा आवाज आ रही ज इंट्रा इंट्रास्टेट सप्लाई क्लियर अच्छा चलो सर आई जीएसटी कब लगेगा आवाज आ रही हो तो कुल मिला के देखो यार इंट्रा हो या इंटर हो सीओ रेस हो या आईओ अल्टीमेटली ये जीएसटी लेवी कब होगा साहब आवाज आ रही हो सर इंट्रा हो या इंटर हो अल्टीमेटली जीएसटी लेवी कब होगा सर आवाज यारी सर मतलब ऐसा आप इंडिया में कौन सा काम कर रहे हो जिसकी वजह से टैक्स लग रहा है आवाज आ रही है सर ऐसा आप कौन सा काम कर रहे हो जिसकी वजह से जी लग रहा है बेटा क्लियर सर ऐसा कौन सा वो इवेंट है जिसके होने पर सर ये टैक्स लग रहा है ऐसा कौन सा इवेंट है जिसके होने पर टैक्स लग रहा है बेटा बताओ आवाज ये क्लियर दैट इवेंट इज कॉल्ड टैक्सेबल इवेंट हा है ना आप मुझे बताओ सर जीएसटी में सर वो इवेंट कौन सा है जिसकी वजह से जीएसटी लग रहा है बेटा आवाज नहीं आ रही सो द टैक्स इवेंट मतलब क्या होता है बेटा सपना छोड़ो टैक्सेबल इवेंट का मतलब क्या होता है बेटा सर वो इवेंट जिसके होने पर कोई पर्टिकुलर टैक्स एबल होता है बेटा टैक्स लगता है क्लियर सर द टैक्स इवेंट अंडर जीएसटी इज टैक्सेबल इवेंट अंडर एक्साइज इज एक्साइज ड्यूटी कब लगता है बेटा तो टैक्सेबल इवेंट अंडर एक्साइज इज मैन्युफैक्चर टैक्सेबल इवेंट अंडर सेल्स टैक्स वेट इज सेल ऑफ गुड्स टैक्सेबल इवेंट अंडर कस्टम्स इज एंड एक्सपोर्ट बेटा भारत माता की जय हाँ है ना इसलिए एकदम तो फंडा सीखिए बेटा आप लोग क्लियर चीजें अपना आप आ जाएगी बच्चों हा है ना मालिक सो टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी इज सप्लाई क्लियर अब इंटर हुआ तो लग जाएगा इंटर हुआ तो लग जाएगा क्लियर द टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी इज सप्लाई सप्लाई हो तो जीएसटी लगेगा और सर सप्लाई नहीं तो जीएसटी भी नहीं लगेगा हा है ना सर ओके okay. तो so, सर सी जी एस शैल बी लेविड क्या बोला सर सी जीएसटी शेल बी क्लियर ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, एक्सेप्ट एल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्शन एट द रेट नोटिफाइडी परसेंट ऑफ वैल्यू सच गुड्स और सर्विस और बहुत हाँ है ना भाई यहां तक सवाल में बच्चा आपको ये क्लियर एंड इट शेल बी पेबल बाय टैक्सेबल पर्सन पता है इट शेल बी पेबल टैक्सेबल पर्सन ये क्या होता है सर? सर taxable person क्या होता है? बता, दूँ क्या, आपको सर? बता दूँ क्या आपको सर? बता है। वैसे रजिस्ट्रेशन चैप्टर हम पढ़ेंगे चैप्टर नाइन आएगा बेटा रजिस्ट्रेशन टेन टेन सॉरी तब जाके वर्ड समझ में आएगा आपको बेटा पर तब जाके हम डिटेल में बात करेंगे सर पर थोड़ा हिंट याद देता हूं तो मजा भी आएगा जीवन में सर आपको सर टैक्सेबल पर्सन की डेफिनेशन दे रखिए रजिस्ट्रेशन चैप्टर चैप्टर पढ़ूंगा चैप्टर टेन तब बात करूंगा इसके बारे में पर सर फिर भी थोड़ा हिंट देना यहां मेरे लिए जरूरी है इसलिए देना बेटा आपके लिए टैक्सेबल पर्सन मीन्स पर्सन हु इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी और इज लाइबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी एक मिनट हो रही जीएसटी में टैक्सेबल पर्सन मीन्स बोलिए बोलिए अ पर्सन पर्सन हुई हाँ मालिक जो पर्सन जीएसटी में रजिस्टर्ड है वो तो टैक्सन है, है।, है वो भी क्या है टैक्स पर्सन है, बेटा। अब क्या है बेटा? मान लो बहुत अच्छा बेटा देखो किसी पर्सन पे लाइबिलिटी क्या बात है रजिस्ट्रेशन की बेटा ये अभी हम पढ़ेंगे कहा चैप्टर नंबर टेन में सर सरिस्ट्रेशन चैप्टर में सेक्शन ट्वेंटी टू और सेक्शन ट्वेंटी फोर में, 24 में भी आपका समझ में आएगा विध से ट्वेंटी थ्री पढ़ो के लाइब्री है क्लियर पर हां आइडिया दे रहा हूं मैं आपको बेटा थोड़ा आइडिया दे रहा हूं सर अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर मतलब टोटल टर्नओवर साल भर में बीस लाख रुपए क्रॉस करता है ट्वेंटी बेटा कितना बेटा अभी मैं केवल एग्जांपल के लिए रहा हूं बेटा कुछ केस है टेन लाख भी कुछ लेख में फोर्टी लाख भी बेटा मेरे को नहीं आता बेटा आज ऊपर याद करके नहीं आया मैं घर से बेटा आज क्लियर अभी रिलेवेंट नहीं है अच्छा ये बात मेरे को बोलना इसलिए जरूरी बेटा कि कभी किसी से बात कर लो बीस लाख की बोले नहीं फोर्टी भी है टेन भी है किस्मत से, से ज्यादा किसी को कुछ भी नहीं मिलता हाँ ना तो सर, सही वक्त आने का हम इंतजार करेंगे अभी जितना रिलेमेंट उतनी बात मैंने करी है ठीक है सर तो सर सुना बात से <coughs> वक्त से पहले वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता हाँ है ना इसलिए सही वक्त का इंतजार करेंगे बेटा अभी जितना उतनी बात काम करेंगे सर सर मान लो ट्वेंटी लेख का टर्न ओवर जैसे क्रॉस करता है यू आर लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन बेटा प्लस देर आर सम डिफरेंट पॉइंट जो मेरे को नहीं आते आज सर अगर आपका एग्रीके्वेंटी लेख रूपी क्रॉस करेगा तो यू बिकम पर्सन लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन वो पता है वहां क्या बोला है आप अगर रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल हो तो विद इन थर्टी डेज आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है बेटा कितने दिन में बेटा तीस दिन में क्या करना पड़ता है बेटा आपको अप्लाई करना पड़ता है डिपार्टमेंट को कि साहब मेरा रजिस्ट्रेशन कर दो अलग उदर इलेवन डॉक्यूमेंट वगैरह आप सबमिट करेंगे बेटा हायना मालिक क्लियर ओके तो विदिन विद इन थर्टी डेज यू विल अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन गुड क्लियर सर पर अगर आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया आपका रजिस्ट्रेशन हो गया बहुत अच्छी बात है बेटा यू बिकम अ रजिस्टर्ड पर्सन बेटा पर अगर आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं किया तो भी होशियारी तुम हो तो कौन टैक्सेबल पर्सन क्या बोला सर मतलब मतलब सर आप लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन हो पर अगर आपने रजिस्ट्रेशन अप्लाई नहीं किया वी डोंट केयर यू आर अ टैक्सेबल पर्सन और जैसे आप टैक्सेबल पर्सन हुए चार्जिंग सेक्शन आप पे अट्रैक्ट हो गया क्योंकि इट शेल बी पेबल बाय टैक्सेबल पर्सन मतलब सर जैसे आपका टर्न क्रॉस हुआ आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करो या ना करो वी डोंट केयर हम आपने जो तो सप्लाई किया है वो चार्जिंग सेक्शन के अट्रैक्शन में आ गया है सर उसकी कवरेज में आ गया है हम तो आपसे टैक्स लेंगे आप कस्टमर से लो या मत लो और एक बात ध्यान रखना अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो ना बेटा तो यू कांट कलेक्ट द टैक्स फ्रॉम द कस्टमर क्योंकि आप जब जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं हो तो कैसे आप कस्टमर से जीएसटी ले सकते बच्चे पर कोई बात नहीं हम तो आपसे लेंगे लेंगे बेटा

इन केस क्या बोला सर इन केस अगर मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया तो तो सर आई बी के रजिस्टर्ड पर्सन पर अगर मैं लाइबल हूं पर मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं किया तो भी मैं कौन हूं बेटा टैक्सेबल पर्सन हूँ टैक्सेबल पर्सन मतलब लग गए क्या लग गया बेटा जीएसटी हा है ना भाई क्लियर सेकेंड बात इधर मत इधर इधर पता है ये बात समझ मांगी बेटा आपको ये आप दूसरी बात बेटा पता है आप लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन नहीं है आप लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन नहीं है फिर भी आपने वॉलंट्री रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया क्लियर है सर पहली बात तो ये आप वॉलंट्री रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो क्या बोला मालिक कोई तकलीफ नहीं है कोई तकलीफ नहीं है आप वॉल्टी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करो कोई मना नहीं किया है आप लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन नहीं हो आपका टोटल बीस लाख छोड़ दो लाख रुपए भी नहीं है बेटा तो भी आपको रजिस्ट्रेशन कराना है कराओ इनकमिंग इज फ्री आने दो बेटा हा है ना अब सुनना होशारी अगर आपने वॉलंट्री रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया देखो कौन अप्लाई करेंगे वॉल्टी क्यों अप्लाई करेंगे ये मेरा टॉपिक आज नहीं है बेटा मेरा टॉपिक अभी क्या है वो हम बात करें बेटा ठीक है धीरे धीरे हम पढ़ेंगे आगे बात आएगी तो बात समझ में आएगी कि क्यों अप्लाई करेगा आदमी क्लियर क्या रीजन है इसके पीछे के क्योंकि आपको बताया ना मैंने बेटा वक्त से पहले और किस्म से ज्यादा हा है ना भाई क्लियर मिलता है और वो भी मिल जाएगा कुछ लोगों को बेटा सर पर अभी नहीं बेटा सर होशारी मान लो सर अगर आप लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन नहीं है पर आपने सर अगर आपने वर्ल्ड्री रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया अरे किसके लिए अप्लाई किया बेटा वर्ल्ड्री रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया तो जैसे ही आपने वर्ल्ड्री रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया आपका रजिस्ट्रेशन हो गया आपका रजिस्ट्रेशन हो गया तो यू बिकेम ए रजिस्टर्ड पर्सन और जैसे आप रजिस्टर्ड पर्सन हुए यू बिकम अ टैक्सेबल पर्सन और जैसे आप टैक्सेबल पर्सन हुए लग गए क्या लगे बेटा जीएसटी हा है ना भाई क्लियर समझे मेरी बात पक्का मतलब मेरा टर्नओवर ट्वेंटी लाख रुपये क्रॉस नहीं हुआ जिस्ट्रेशन अब जैसे ही मैंने रजिस्ट्रेशन लिए किया voluntarily, Sir, मेरे मिल गया उसके बाद अगर मैं कोई गुड्स हूं उसके बाद अगर मैं कोई goods, बेच रहा हूं। Clear? तो उस पर क्या लगेगा बेटा जीएसटी मेरे को टैक्स इन्वेस्ट इश्यू करना पड़ेगा कस्टमर से टैक्स लेना पड़ेगा और गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा भले ही मेरा टर्न ओवर बीस लाख रुपए क्रॉस नहीं किया वी डोंट केयर बेटा हा मालिक क्लियर सो इन केस ऑफ जीएसटी जीएसटी विल बी लेविड ऑन इंटरसेट सप्लाई एंड इट शेल बी पेबल बाय टैक्सेबल पर्सन और टैक्सेबल पर्सन मतलब अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी अब सुन रजिस्टर्ड क्यों है बेटा भली वो लायबल था या वॉलंटरी था वी डोंट केयर बेटा क्लियर रजिस्टर्ड है वो तो टैक्सेबल पर्सन ही है पर अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो बट यू आर लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन बेटा क्लियर अब सर भले ही आपने क्या बोला सर इवन इफ नॉट अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन यू बिकेम अ टैक्सेबल पर्सन एंड वंस यू आर अ टैक्सेबल पर्सन लग जाएंगे क्या जीएसटी बेटा

कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है जैसे पानीपुरी वाला बेटा और उसका टर्न ओवर ट्वेंटी क्रॉस नहीं होता साल का बेटा उसने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई भी नहीं किया क्लियर तो ऐसे केस में न वो लाइबल है न वो रजिस्टर्ड है बेटा वो टैक्स पर्सन ही नहीं है टैक्स पर्सन नहीं मतलब कोई टैक्स नहीं लगेगा बोलो यस सर, सर। हा ना भाई हाँ। क्लियर डन तो सर इन केस ऑफ जीएसटी क्या बोला सर इन केस ऑफ जीएसटी सर चार्जिंग सेक्शन सेक्शन नाइन से बोल दू क्या मैं आपके लिए बेटा आवाज आ रही यारी क्लियर सर सी जी एस टी शैल बी लेविड स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ एक्सेप्ट एल्कोलिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एट द रेट नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल बट नॉट मोर देन ट्वेंटी परसेंट ऑफ वैल्यू ऑफ सच गुड्स और सर्विस और बोथ है हाँ ना एंड इट शेल बी पेबल टैक्सेबल पर्सन ना सर क्लियर और टैक्सेबल पर्सन मतलब क्या होता है शायद आपको समझ में आ गया क्लियर शायद आपको यह समझ में आ गया कि टैक्सेबल पर्सन क्या होता है बेटा यस या नो क्लियर और जो टैक्सेबल पर्सन होता है उसमें टैक्स क्लियरिटी आती है बेटा

क्लियर सर रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर पार्ट है क्या बेटा सर प्रोसीजर तो बात की बात है पहले टेक्निकल चीजें समझिए बेटा आई होप समझ में आया बेटा पॉइंट ये अरे क्लियर पक्का ओके तो ये था क्या आपका सेक्शन नंबर नाइन सब सेक्शन नंबर वन सर ये था चार्जिंग सेक्शन पता है पता है आपको सेक्शन नंबर नाइन सेक्शन टू भी बेटा वो बोलता है क्या पांच गुड्स कितने गुड्स बेटा पांच पेट्रोलियम डीजल वगैरह पे सुना होगा आपने बेटा पेट्रोलियम डीजल वगैरह पे सुना होगा आपने क्या कि जीएसटी नहीं लगता सर अब सुनिए ध्यान से बेटा एक बच्चे का कमेंट भी बेटा सर आप तो गलत पढ़ा रहे हो केवल दारू पे नहीं पेट्रोल पे भी जीएसटी नहीं लगता तो उनको समझाओ कि सर वक्त से पहले और से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता वक्त पर सब चीज आ जाएगी बेटा आया ना सर सेक्शन नंबर सेक्शन नंबर टू यस क्लियर आ गया बेटा पेट्रोल डीजल भी बेटा सर पेट्रोल डीजल पे क्या बोल दिया बेटा जीएसटी लगेगा बट फ्रॉम अ डेट टू बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल मतलब पेट्रोल डीजल पे जीएसटी लगेगा पर जब जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगी तब लगेगा और अब तक कोई रिकमेंड नहीं किया मतलब मतलब अभी नहीं लगता क्यों पता है क्योंकि पेट्रोल डीजल जितने की वैल्यू नहीं है उससे ज्यादा तो उस पर टैक्स है बेटा सेंट्रल एक्साइज भी है और वेट भी है बेटा और इतना टैक्स है साहब कि सर जितनी पेट्रोल की वैल्यू नहीं होता तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू हो जाता है सर और अगर इसको जीएसटी में ले आए तो मैक्सिमम रेट ऑफ जीएसटी फोर्टी परसेंट बेटा हाँ है ना मालिक क्लियर तो गवर्नमेंट की रेवेन्यू एकदम डीप हो जाएगी बेटा कम हो जाएगी बच्चों इसमें इसलिए सर गवर्नमेंट इसको अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं किया किसके अंदर बेटा जीएसटी में बेटा आप देखो ना बेटा हर स्टेट वाइज पेट्रोल डीजल की रेट अलग अलग होती है बेटा क्यों क्योंकि हर स्टेट में रेट ऑफ वेट अलग अलग है पेट्रोल डीजल में बच्चों यही अगर जीएसटी आ जाए तो वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट दारू दारू पे जीएसटी सॉरी दारू पे भी देखना बेटा स्टेट चेंज करो दारू का सेल प्राइस चेंज हो जाता बच्चा अरे हाँ है ना भाई ये देखो बेटा सबकी सच्चाई बार आ रही बेटा सर गोवा हाँ है ना बेटा पानी पानी ज्यादा महंगा है दारू से बेटा ये देखो बेटा लोगों को सब पता है बेटा, आप पानी भी पी सकते हो कोई नहीं बेटा आ जाके सर सुनना सर अच्छा पानी का मतलब वो समंदर वाला पानी बेटा वो मत पी लेना बेटा आप लोग क्लियर उसमें तो पता नहीं लोगों ने क्या क्या किया होता बेटा है हाँ ना क्लियर <laughs> सर सर दिल पे का यात्रा बेटा स्विमिंग पूल में भी कभी कभी कोई ना कोई कांड किया बेटा आपने सर इधर ध्यान दो बेटा सर इसलिए स्विमिंग पूल में करो बेटा तो मुंह बंद करके भी झमक्या करो बेटा आप सर <laughs> हां सर इधर ध्यान ओ भाई मान लो सर इधर इधर जाओ बाहर आ जाओ बेटा स्विमिंग पूल से बाहर आ जाओ बेटा क्लियर बहुत साल तो बोल रहे सर हम ऐसे ऐसे स्विमिंग पूल जाते थे बेटा इतना मजा आता था बेटा जो जरा मुंह जाने दो बेटा पर वहां पे आंखों मुझे मजा आता था, था सर कि सर कि क्या बताया सर आनंद आया जी बेटा सर इनकेस ऑफ जीएसटी क्या ना सर, सर, सर? पांच गुड्स को गवर्नमेंट ने बोल दिया सेक्शन नाइन ना सब सेक्शन टू में पेट्रोलियम क्रूड हाई स्पीड डीजल मोटर स्पिरिट जिसको प्यार में सम, क्या हैं बेटा पेट्रोल सर मोटर स्पिरिट पेट्रोल एविएशन टर्बाइन फ्यूल एटीएफ जो फ्लाइट में लगता है बेटा वो नेचुरल गैस सर ये पांच गुड्स आई रिपीट सर पेट्रोलियम क्रूड हाई स्पीड डीजल मोटर स्पिरिट कॉमन नोन एज पेट्रोल एविशन टर्बाइन फ्यूल एंड सर ये पांच गुड्स ऐसी है जिन पे जीएसटी लगेगा बट फ्रॉम अ डेट टू बी नोटिफाइड बाय द द द गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल जब तक नोटिफाई नहीं हुई क्लियर इसलिए इन पे अभी तक जीएसटी नहीं लगता तो आप मुझे बताओ सर टोटल कितनी गुड्स है जिसपे जीएसटी नहीं लगता बेटा छे दारू भी तो है ऊपर क्लियर टोटल देरार सिक्स गुड्स टोटल देरारिक्स गुड्स इस पर जीएसटी नहीं लगेगा किस किस बेटा सर घूम लो झूम लो घूम लो बेटा पेट्रोल डीजल वगैरह बेटा और झूम लो मतलब दोनों पे जीएसटी नहीं लगता घूम लो यारो नहीं बोला बेटा सर ध्यान तो बेटा।, बेटा सर चुपने बेटा हा भाई क्लियर अगर अगर पैसा लिया है तो बेटा सर <laughs> सर मैं भी कहा बिजू व्यवस्था की तरफ चला गया बेटा ध्यान देना सर इनकम टैक्स भी बेटा ध्यान देना बेटा सर मान लो सर पांच गुड बेटा कितनी गुड बेटा पांच सर इन पांच गुड्स पर जीएसटी नहीं लगता फर्स्ट क्या बेटा पेट्रोलियम पेट्रोलियम क्रूड हाई स्पीड डीजल मोटर स्पिरिट कॉमन नॉन एज पेट्रोल एविशन और मोटर स्पिरिट एंड एल्कोलिगर फॉर ह्यूमन कंजम्सन इन गुड्स पर जीएसटी नहीं लगता इसलिए इन छह सप्लाई को बोलते हैं क्या नॉन टैक्सेबल सप्लाई क्या बोलते हैं सर इसको हम नॉन टैक्सेबल सप्लाई ऑन विच जीएसटी इज नॉट लेविथ बेटा हा है ना भाई ये yes. घूम लोम लो ना भाई छे कौन सी बेटा क्लियर क्या शॉर्ट फॉर्म बेटा पेट्रोल बुक में लिखा पूरा फॉर्म बेटा है ना एटसेट्रा बेटा क्लियर सर पांच गुट बच्चों है हाँ ना मालिक यस सर इधर ध्यान दे आ रहा है क्या सेक्शन नंबर नाइन सब सेक्शन नंबर थ्री दर्शन सर है ना बेटा सर सर सेक्शन नंबर नाइन सब सेक्शन नंबर थ्री सुना बात से वेरी गुड बेटा क्या सर सुना बात से सर सेक्शन नंबर नाइन सब सेक्शन थ्री बोलता है क्या भाइयों गवर्नमेंट के पास पावर है पावर बेटा गवर्नमेंट के पास पावर है अच्छा एक मिनट सुनना सुन पूरे जीएसटी में है। जहां पे भी आ के पास है। मतलब और में पार के पार आ तो हो हो क्योंकि पावर एक्सरसाइज कर दिया तो जीएसटी इंडिया में इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगा क्योंकि सारे स्टेट को साथ में लेकर चलना है बेटा क्लियर तो सर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है ठीक है काउंसिल का मतलब समझना क्या लिखा है मैंने बेटा काउंसिल लिखा है मतलब क्या दिखा है मैंने ऑन दी रिकमेंडेशन ऑफ दी जीएसटी काउंसिल चलिए क्या पावर है बेटा अच्छा यार ये बताओ जीएसटी डायरेक्ट टैक्स है कि इंडायरेक्ट सर जीएसटी डायरेक्ट टैक्स है कि है सर इनडायरेक्ट टैक्स में होता है क्या है बेटा सर मैं सप्लायर हूं आप कस्टमर हैं मैं कस्टमर से टैक्स लूंगा और गवर्नमेंट को पे करूंगा बेटा है हाँ ना भाई सर गवर्नमेंट को टैक्स कौन पे करता है सप्लायर अरे कौन टैक्स पे करता है बेटा हाँ मतलब टैक्सल पर्सन सप्लाई करेगा तो वो सप्लायर और वो टैक्स पे करेगा बच्चा ठीक है यस yes. वो तो टैक्सल तो पर्सन होगा तो ही लेवी होगा बेटा वो तो हो गया ले भी हो गया बादरी के पेमेंट की कौन पे पे करेगा करेगा बेटा सप्लायर टैक्स बच्चा ना यार आज आपने कोचिंग फी दिया होगा कोचिंग फी भी हमने लिया हमने को पे किया पे करने के लिए हमें तो सर गवर्नमेंट के पास पावर है the the Council, वो चाहे तो नोटिफाई कर सकते हैं कुछ गुड्स सर्विस और बोथ को देखे नोटिफाई सर्टेन गुड्स और सर्विस और बोथ और नोटिफाई करके बोल देंगे क्या कि इन गुड्स और सर्विस और बोथ में रेसिपेंट शैल बी लाइबल टू पे टैक्स रेसिपेंट शेल बी राइबल जीएसटी टू दी गवर्नमेंट डायरेक्टली अंडर आर सी एम मतलब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अभी दो मिनट लिए सर आप इसको छोड़ दो सर एक मिनट एंड साथ में एक बात वो लिख लो बेटा एंड ऑल प्रोविजन

क्लियर और टैक्स अमाउंट डायरेक्ट आप गवर्नमेंट को पे करना उस सप्लायर को पे मत करना साहब आप क्लियर सर सिंस इसमें सिस्टम क्या कर दिया गवर्नमेंट ने टैक्स कलेक्शन का रिवर्स इसलिए इसको बोलते हैं क्या रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या बोलते हैं मालिक रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एंड रेसिपेंट विल बी लाइबल टू तो पे टैक्स टू तो द गवर्नमेंट डायरेक्टली बेटा एंड ऑल दी पर्सन लायबल टू पे टैक्स टू दा है ना भाई क्लियर समझे मेरी बात बच्चों आवाज नहीं आ रही हुई क्लियर <coughs> अब आप कहोगे सर सर आपने बोल तो दिया पर हम इसको विजुअलाइज नहीं कर पा रहे सर क्लियर क्लियर तो एक दूंगा तो तो मजा आएगा ना सर सर जीवन में आपको सर। अब सर कौन कौन सी सर्विसेज नोटिफाई करी कौन कौन सी गुड्स नोटिफाई करी सर ये लिस्ट हम अभी नहीं पढ़ रहे बेटा अच्छा जस्ट बताता हूँ आपको बेटा जो गुड्स भी नोटिफाई किए बेटा जो गुड्स नोटिफाई किए वो आपके सिलेबस में नहीं आते बेटा तो गुड्स की लिस्ट आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है पर सर्विसेज की लिस्ट हम पढ़ेंगे पर मैंने आरसीएम का एक अलग से चैप्टर दे रखा है वहां मैं आपको सारी सर्विसेज की लिस्ट पढ़ाऊंगा पर मैं आपको अभी एक दो एग्जाम्पल देता हूं क्यों आया है बच्चो ठीक है एक दो एग्जाम्पल से बात करते हैं देखना ध्यान से बच्चों मान लो चलिए बहुत अच्छा किया बेटा मान के आपने आउट ऑफ इंडिया से सर कहां से बेटा आउट ऑफ इंडिया से मान लो आपने कोई सर्विसेज इंपोर्ट करी बेटा क्या करी बेटा आपने जब रशिया सामने आएगा ना बेटा तो कुछ ना हो पाएगा सर ध्यान देन देना बेटा सर इधर ध्यान बेटा सरकार ध्यान देन देना बेटा सर्विसेज आपने इंपोर्ट करी बेटा कहां से बेटा आउट ऑफ इंडिया से बेचो गुड्स इंपोर्ट करने पे क्या लगता है बेटा कस्टम्स सर गुड्स इंपोर्ट करने में क्या लगता है बच्चा कस्टम्स सुनना सुनना बेटा, सुनो, सुनो, बेटा से सर गुड्स इंपोर्ट करने में क्या लगता है बच्चा कस्टम्स मैं गुड्स की बात नहीं कर रहा बेटा सर्विसेज की बात कर रहा हूं आपने आउट ऑफ इंडिया से कोई सर्विसेज इंडिया में इंपोर्ट करी बेटा क्लियर जिसका मान लो वैल्यू ऑफ सर्विस था कितना बेटा छ हजार रुपये बेटा ये छह हजार कहां से आया रे क्लियर सर्विस ये किसने बताया आपको विजू भैया ने बेटा क्लियर सर आपके तो दो हजार ही लगेंगे बेटा सर सुनना <laughs> ध्यान दो बेटा सर वैल्यू ऑफ सर्विस कितना है दस लाख रुपए बेटा इधर ध्यान सर मान लो इधर ध्यान सर इधर बड़ा रिचार्ज तो ज्यादा पैसा लगते बेटा छोटा रिचार्ज तो कम पैसा लगते बेटा सर आपने मान लो सर्विसेज सर्विस कितने की बेटा दस लाख की बेटा इधर ध्यान दो आप लोग मेरे को बिगाड़ के छोड़ोगे बेटा सर सर बात ध्यान से <coughs> इधर इधर होशारी सरकार आपने सर्विसेज इंपोर्ट करी कितने की टेन लैख की और इंपोर्ट और सर्विस पे जीएसटी लगता है बेटा और आगे बात कर लेंगे गया पॉइंट आई लगता है क्या लगता है बेटा इस पे आई जीएसटी ठीक है ठीके? सर कितना बेटा सपोज एटीन परसेंट बेटा रोजरी। सरकार आउट ऑफ इंडिया से आपने सर्विसेज इंपोर्ट करी अब मान लो सर्विस सप्लायर था कौन बेटा डॉन डॉन ने सर्विसेज दी इंडिया में किसको मिस्टर कौन को बेटा डॉन से सर्विस ली किसने कौन ने सर अब सोचिए आप ध्यान से डॉन का है बेटा बेटा आउट ऑफ इंडिया से इंपोर्ट तो का होगा बेटा आउटसाइड इंडिया होगा ना पागल से बात क्या कर रहे हो आप क्लियर डोन का है आउटसाइड इंडिया कौन का है इंडिया में आउट ऑफ इंडिया से आपने इंडिया में सर्विसेज इंपोर्ट करी बेटा अब सोचो जो सर्विस सप्लायर वो कहा है बेटा जो सर्विस सप्लायर वो कहा है बेटा आउटसाइड इंडिया सोचिए अगर इंडिया के पर्सन ने पूरा इलेवन उसको पे कर दिया होता किसको वो आउट ऑफ इंडिया वाले पर्सन को बच्चा तो आपको लगता है कि वो आउट ऑफ इंडिया वाला पर्सन इंडिया में जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराएगा क्या आपको लगता है वो टैक्स के, के पे करेगा जीएसटी पे करेगा, करेगा रिटर्न फाइल करेगा आपको लगता है और अगर वो टैक्स पे नहीं करेगा तो आपको लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट उससे रिकवरी कर पाएगी बेटा क्यों क्योंकि डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं नामुमकिन है क्लियर सर इसलिए मतलब तो थोड़ा पकाया ना बेटा मैंने क्लियर आपने पकाया तो मैंने भी पका दिया बात बराबर बच्चा हाँ ना भाई क्लियर सुनना बच्चा <laughs> सर मान लो सर इन केस ऑफ जीएसटी क्या बोला सर केस ऑफ जीएसटी आउट ऑफ इंडिया से अगर आपने सर्विसेज इंडिया में इंपोर्ट करी अब सर प्रैक्टिकली <coughs> बात करें वो आउट ऑफ इंडिया वाला पर्सन इंडिया में मार्केट जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाएगा वो इंडिया मार्केट टैक्स पे नहीं कर पाएगा इसलिए इसीलिए सर गवर्नमेंट ने क्या कर दिया बेटा सर वहां सिस्टम रिवर्स कर दिया और सर रेसिपेंट को बोल दिया कि एक काम करना तो उस डॉन को केवल दस लाख रुपए पे करना बेटा और ये 180 डायरेक्टली किसको पे करना बेटा गवर्नमेंट को बात खत्म बेटा क्लियर सर तो यहां पे सर ये 180 एटी गवर्नमेंट को पे कौन करेगा बेटा आवाज आ रही हो अरे गवर्नमेंट को कौन पे करेगा अरे बता रहा हूं कौन पे करेगा आप बार बार पूछ रहे हो मैं बता रहा हूं कौन पे करेगा क्लियर <laughs> समझे मेरी बात क्लियर आपसे पूछा ही नहीं मैंने और आप बार बार पूछ रहे हो बेटा मेरे से क्लियर है डन तो कौन टेक्स पे करेगा अरे <laughs> मैं तो बता रहा हूं पूछ नहीं रहा हूं बेटा क्लियर है तो अल्टीमेटली केस ऑफ इंपोर्ट ऑफ सर्विस क्या बोला बेटा In case of import of services, recipient will be liable to pay tax to the government directly under reverse charge mechanism. तो आउट ऑफ इंडिया के पर्सन से अगर सर्विसेज इंडिया में ली बेटा तो ऐसे केस में आपको खुद को रिवर्स चार्ज रिवर्सम में टैक्स पे करना पड़ता है टू गवर्नमेंट डायरेक्टली बेटा है ना भाई क्लियर तो आपके एग्जाम्पल में सर आपको दो हजार खुद को टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को बेटा ओके क्लियर गुड बेटा हा है ना भाई यस सर समझे मेरी बात डन तो पॉइंट होता है अब सो केस ऑफ जीएसटी सर प्रैक्टिकली गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल नहीं था कि आउट ऑफ इंडिया वाले पर्सन से टैक्स रिकवरी कर ले बेटा इसलिए वहां गवर्नमेंट ने क्या कर दिया बेटा सिस्टम को रिवर्स कर दिया और रिवर्स चार्ज लगा दिया मतलब सर गवर्नमेंट को मजा नहीं आ रहा है बेटा कि सिस्टम को कॉम्प्लीकेट कर दो कहीं पे सप्लायर टैक्स पे करेगा कहीं पे रेसिपेंट पे करेगा भारत माता की जय तुम्हारी मर्जी वो करो बेटा ऐसा नहीं होता है क्लियर सर गवर्नमेंट को जहां डिफिकल्टी लगी प्रैक्टिकल इंडस्ट्री को ध्यान में रखते हुए कि यहाँ पे टैक्स कलेक्ट करना पॉसिबल नहीं है सप्लायर से वहां गवर्नमेंट ने क्या कर दिया रिवर्स लगा दिया और वहां बोल दिया क्या रेसिपेंट लाइबल को टैक्स पे करने के लिए बच्चा क्लियर एक और एग्जांपल दू मैं आपको बेटा चलो एक और एग्जाम्पल दे रहा मैं आपको बेटा सर बैंकिंग कंपनी क्या करती बेटा लोन देती है बेटा और जिसको लोन दिया है वो अगर वापस नहीं देता है तो रिकवरी एजेंट वसूली भाई अपॉइंट होते बेटा। तो वसुली भाई क्या करते क्या करेंगे खुश होगी पढ़ो बेटा यार जाओ लोड लेके नहीं पड़ेगा यार मस्त खुश हो गए पढ़ो सर आप क्लियर सर सुनना बात ध्यान से वसूली भाई क्या करेंगे वसूली किससे करेंगे बैंक किस से तुम्हारी सर ध्यान बैंक से जिसको लोन दिया और लोन नहीं दे रहा है तो उससे रिकवरी करेगा है ना सर इधर ध्यान सर बैंक ने क्या किया बेटा लोन दिया क्लियर सर अब जो लोन जिसने लिया है बेटा वो अगर गवर्नमेंट को पे नहीं करेगा तो बैंक ने क्या किया बेटा रिकवरी एजेंट अपॉइंट किए। रिकवरी एजेंट क्या कर रहे हैं बेटा रिकवरी कर रहे हैं सर वो समाज सेवा करने पैदा तो नहीं हुए बेटा वो क्या करेंगे जितना रिकवरी हुआ उसका एक फीस बैंक से चार्ज करेंगे बेटा? तो रिकवरी एजेंट आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू बैंक हा है ना इसके लिए बैंक इनको क्या देगा बेटा कमीशन देगा फीस देगा बच्चा हा है ना सर सर इस फीस पे क्या लगेगा बेटा जीएसटी बताओ इस सर्विस में सप्लायर और सर्विस कौन है बेटा भाई सर्विस दे कौन रहा है ये कौन है सप्लायर है बेटा ये कौन है बेटा रेसीपेंट अरे क्लियर सर अब आप सोचिए रिकवरी एजेंट सर वसूली भाई दुनिया से वसूली कर रहे बेटा आपको लगता है वो तो वसूली भाई जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराएंगे टैक्स पे करेंगे रिटर्न फाइल करेंगे आपको लगता है बेटा क्लियर okay. सर वो अगर टैक्स पे नहीं करेंगे तो क्या आपको लगता है कि डिपार्टमेंट उनसे रिकवरी कर लेगा बेटा okay. सर वो दुनिया से रिकवरी कर रहे हैं बेटा okay. दो ऑफिसर रिकवरी करने गए और जीएसटी का अमाउंट बेटा वापस आए नहीं बेटा okay. सर

ज नहीं आता मैं तो मतलब समझ लो बेटा अभी नहीं पढ़ना बेटा मैं याद करके नहीं आया लिस्ट बेटा आज अरे क्लियर समझे मेरी बात पक्का बच्चों जब सही वक्त आएगा तब बात करेंगे अभी नहीं बेटा हा मालिक चलिए सर क्लियर सर ध्यान बच्चो हाँ बेटा क्या पहला इंपोर्ट और सर्विस वाला बेटा डोन वाला एग्जाम्पल समझो मैं ओके सर फर्स्ट एग्जाम्पल जब आपने सर्विसेज इंपोर्ट करी सर्विस प्रोवाइडर क्या बेटा आउट ऑफ इंडिया

गवर्नमेंट क्या कर दिया बेटा वहां पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगा दिया और वहां मैकेर को बोल दिया कि तुम जब सप्लायर को पे करोगे तब केवल वैल्यू का ही पेमेंट करना टैक्स अमाउंट उसको पे मत करना टैक्स तुम डायरेक्टली किसको पे करेंगे गवर्नमेंट को पे करना बेटा तो यहाँ पे रेसिपेंट डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहा है इसलिए इसको बोलते हैं क्या रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस इज वन ऑफ द सर्विस विच इज नोटिफाइड एज अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म

क्लियर अब गुड्स की लिस्ट और सर्विस की लिस्ट हम बाद में पढ़ेंगे अभी क्या आपकी वो कनेक्टिविटी नहीं बैठेगी इसलिए मैं आपको नहीं पढ़ा रहा बेटा ठीक है सर मुझे बताया कब कौन सा पॉइंट बोलना है तब मैं आपको बताऊंगा बेटा अभी उससे पहले नहीं बेटा आपको ठीक है चलिए सर सेक्शन नंबर नाइन सब सेक्शन नंबर फोर अरे मजा आ रहा नहीं आ भाई सेक्शन नंबर नाइन सब सेक्शन नंबर फोर सर अच्छा आ, एक और अनुराग का एग्जाम पूछा है सर रिकवरी एजेंट वाला एक, वापस एक्सप्लेन करो सुनना ध्यान से बेटा सर रिकवरी एजेंट नथिंग सिंपल बेटा रिकवरी एजेंट क्या करते बेटा बैंक के पे रिकवरी करते उन लोगों से जो लोन का पेमेंट नहीं कर रहे बेटा बैंक तो उसको बेडट मान चुकी है बेटा या बैंक को लग रहा है बेडअट होने वाला है ऐसा भी है तो वसूली भाई को ओपन किया बोला क्या तू मैं इससे एक करोड़ रुपए मांगता हूं बैंक ने बोला

उसका जीएसटी उसको मत देना साहब जीएसटी का अमाउंट तो हम डायरेक्टली आपसे लेंगे अंडर आरसीएम बेटा हाँ भाई और वहां पर रेसिडेंट कौन है बैंक है तो बैंक टैक्स पे करेगा टू दी गवर्नमेंट डायरेक्टली अंडर रिवर्स चार्ज टू दी गवर्नमेंट डायरेक्टली बेटा है ना भाई, तो हाँ भाई? क्लियर अरोरा अभी क्लियर बेटा पक्का गुड तो सर इन केस ऑफ जीएसटी क्या बोला सर इन केस ऑफ जीएसटी कुछ सर्विसेज और भी है जो हम पढ़ेंगे बाद में बच्चों क्लियर पर हाँ मैंने जस्ट एग्जांपल देके समझाया कि रिवर्स चार्ज होता क्या है बेटा आपके लिए ओके सर आइए सेक्शन नंबर नाइन सब सेक्शन नंबर फोर सर सुनना बात ध्यान से कि इन केस अब सुनो बेटा अब जैसे एक और डाउट आया कि सर इनसे गवर्नमेंट को जीएसटी कलेक्ट करने में डिफिकल्टी क्या थी बेटा तो देखो प्रैक्टिकली कुछ डिफिकल्टी रही होगी बेटा रिकवर वसूली भाई है बेटा ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर बेटा क्लियर ये लोग जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराएंगे नहीं कराएंगे भरोसा नहीं बेटा सर इनसे डिपार्टमेंट कितनी नोटिस भेजते बेटा सर ये पे नहीं करने वाले फिर रिकवरी करने वाले लोग गए भी जीएसटी डिपार्टमेंट वाले ये खुद रिकवरी एजेंट है बेटा वसूली भाई है बेटा 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 क्लियर सर ये दुनिया से वसूली कर रहे दो ऑफिसर गए बेटा। वापस आए नहीं है हाँ ना तो दिस मे बी रीजन बिहाइंड इट बेटा अब हर इंडस्ट्री के अपने अपने अलग रीजन होते हैं बेटा क्लियर वो इंडस्ट्री आपको नहीं पढ़नी है मैंने आपको एग्जाम्पल देकर समझाने की कोशिश करी कि आखिर जीएसटी में रिवर्साइज क्यों आया है बेटा है हाँ ना क्लियर ये रीजन रहे होंगे कि रिकवरी एजेंट से डिपार्टमेंट को रिकवरी नहीं करनी थी बेटा क्लियर इसलिए रिवर्स आज लगा दिया इस तरह के रीजन रहे होंगे बेटा क्लियर आइए बच्चों सर सेक्शन नंबर नाइन सब सेक्शन नंबर फोर पता है अगेन सर गवर्नमेंट के पास पावर है बेटा क्या मालिक पावर जैसे ही मैंने पावर बोला आपके दिमाग में एक पॉइंट आना चाहिए बेटा बोलो फिर जल्दी से काउंसिल पूरा वर्ड बोलो आप ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ दी जीएसटी काउंसिल दैट दे कैन नोटिफाई सेटेन गुड्स और सर्विस और बोथ और नोटिफाई करके बोल सकते हैं क्या कि ये नोटिफाइड गुड्स और सर्विस और बोथ अगर स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन ने स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन ने परचेज किया है फ्रॉम एनी अनरजिस्टर्ड पर्सन किसे परचेज किया बेटा किसने परचेज किया है स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन ने बेटा तो ऐसे केस में सच रजिस्टर्ड पर्सन सच आवाज नहीं सच रजिस्टर्ड पर्सन शेल बी लाइबल टू पे जीएसटी टू दी गवर्नमेंट डायरेक्टली अंडर आर सी एम एंड ये थोड़ा सा सुंदर बन गया बेटा एंड ऑल दी प्रोविजंस ऑफ दी एक्ट शैल अप्लाई टू सच

देर से मैं लिखता बेटा तो मैं खुद ही सो जाता बेटा पढ़ते पढ़ते सो गए माहौल बनने से पहले ही सो गए बेटा सर मान लो सर गवर्नमेंट के पास पावर है किस पास पावर बेटा गवर्नमेंट के पास पावर है दैट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ एस जीएसटी काउंसिल देखे नोटिफाई सर्टेन गुड्स और सर्विस और बोथ और नोटिफाई कर बोल देंगे क्या ये नोटिफाइड गुड्स और सर्विस और बोथ अगर रजिस्टर्ड ने परचेज किया अनरजिस्टर्ड पर्सन से तो सुनना यार मेरी बात समझ तू समझ मेरी बात यार. एक बात तो ये कि सस्पेंस दूर कर देता बेटा आपके लिए जीवन में कि स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ पर्सन एक ही बेटा कौन पता है बिल्डर बस और कोई है ही नहीं बेटा जीवन में इस सेक्शन में एक ही पर्सन है कौन बिल्डर क्लियर आप सुनना बात ध्यान से <coughs> मान लो बहुत अच्छा किया बेटा मान के आपने ये जीवन में यस यस इट्स ऑलवेज माय प्लेज़र बेटा सर ये बोल दिया क्या अगर बिल्डर जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है उसने कोई भी स्पेसिफाइड गुड्स और ऑफिसर बहुत परचेज के लिए किससे बेटा अनरजिस्टर्ड पर्सन से तो सुनना यार मान लो कि दुकान वाला जो सीमेंट बेचता है बेटा क्या बेचता है बेटा सीमेंट कभी खाई बेटा आपने सॉरी कभी देखी अच्छा हो, हो तो होगी बेटा आपने अच्छा वो नहीं खाई बेटा वरना बेटा अंदर अगर ब्लॉक हो जाता बेटा तो आउटवर्ड सप्लाई बंद हो जाता बेटा सर <laughs> सर इधर ध्यान बेटा सर मान लो इधर ध्यान अरे यार आप उसको विजुअलाइज मत करो बेटा ज्यादा आप सर इधर ध्यान बेटा सर ओ इधर इधर बेटा सर सुना बात हो से मान लो माल इनके ऑफ जीएसटी क्या लो सर इनके ऑफ जीएसटी धीरे धीरे रंग जमेगा बेटा अभी और भी सर अभी तो सेकंड डे है बेटा अभी मेरी सच्चाई भी आपको पता पड़ेगी आपकी सच्चाई तो मेरे को पता है मान लो माल यार कोई दुकान वाला जो सीमेंट बेचता है बेटा और दुकान वाले का टर्न और बीस लाख रुपए से कम बेटा वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है अब वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो क्या वो टैक्स पर्सन है क्या बच्चा वो पर्सन अगर नहीं है तो क्या उस पर चार्जिंग सेक्शन अट्रैक्ट हो रहा है क्या बच्चा अगर चार्जिंग सेक्शन अट्रैक्ट नहीं हो रहा तो क्या उसको टैक्स पे करना है क्या क्लियर तो यार उस दुकान वाले से अगर बिल्डर ने सीमेंट खरीदा है बेटा तो तो टैक्स फ्री आ जाएगी बच्चा एक तरह से अरे है ना कैसे टैक्स फ्री आएगी बेटा कि बिल्डर जीएसटी में रजिस्टर नहीं सॉरी वो दुकान वाला जीएसटी -e है तो बिल्डर के लिए आप सप्लायर हो बेटा मैं बिल्डर बेटा, मैंने आपसे सीमेंट परचेज किया आप जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हो तो आप अपने सप्लाई पे जीएसटी लगाओगे नहीं बेटा एक लाख की सीमेंट खरीदी तो एक लाख पे आपको जीएसटी लगाओगे नहीं तो एक तरह से वो सीमेंट मेरे क्या होगी जीएसटी फ्री हो गई बेटा Clear? तो बिल्डर को बोल दिया दिमाग करना मंगल क्या बोल दिया दिमाग करना बिल्डर तेरे को भाई सप्लायर जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं बेटा अगर रजिस्टर्ड होता तो, तो क्या करते आप उसको जीएसटी पे करते वो गवर्नमेंट को पे करता वो रजिस्टर्ड नहीं है कोई बात नहीं सर आप पे कर देना वापस मिलना बेटा अगर यही सीमेंट में रजिस्टर से परचेज करता है बेटा तो उसको जीएसटी पे करता ना बेटा और वो गवर्नमेंट को पे करता बेटा क्लियर आपने अगर वो, तो वो तो टैक्स पे करेगा नहीं बेटा कोई बात नहीं वो रजिस्टर्ड नहीं वो तो नहीं पे करेगा आप तो समझदार हो आप टैक्स पे कर देना हा भाई तो जितना भी सीमेंट एग्जाम्पल दिया सीमेंट मैंने एक बेटा आपको ठीक है सर सर देना एनी स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ गुड्स और सर्विस नोटिफाई कर दी है वो अगर बिल्डर ने जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो है, तो है सर पक्का बच्चो डन अच्छा अगर रजिस्टर्ड से परचेज किया तो बेटा तो फॉरवर्ड चार्ज बेटा क्या बोलते सर उसको

क्या बेटा क्या पक्का बेटा वेरी गुड बेटा सर पता है सेक्शन नंबर नाइन था बच्चा सेक्शन नंबर नाइन नंबर फाइव अच्छा सुनना नाइन थ्री नाइन फोर और नाइन फाइव यह तीनों के लिए मैंने चैप्टर नंबर सेवन दे रखा अलग से बच्चा पर सीन से सेक्शन नाइन का पार्ट है इसलिए ये तीनों सब्जेक्शन आपको यहां समझा रहा हूं डिटेल पढ़ाऊंगा कब जब रेस्पेक्टिव पॉइंट आएगा था बेटा ओके सर नाइन फाइव पता है कभी आपने ओला देखा ओला ओला उबर टैक्सी बुक करी क्या आपने कभी बेटा ऑटो रिक्शा बुक किया होगा बेटा हाँ है ना सर रेपिडो रेपिडो क्लियर वो सब इसमें कवर है बेटा क्लियर सुनना बात को ध्यान से बेटा सॉरी सर सुनना बात ध्यान से बेटा सर ध्यान देना बच्चो यहां कवर आएंगे बेटा ध्यान देना बेटा मान लो सर कैसे कैसे एग्जाम्पल देने पड़ते मेरे को बेटा आपको सर पॉइंट सुना नहीं दिया बेटा हाँ है ना भाई क्लियर पर सर मान लो गवर्नमेंट के पास पावर है देट ऑन दिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल दे के नोटिफाई दिल थाम के देखना दे के नोटिफाई सटेन सर्विसेस नॉट गुड ओनली सर्विसेज गवर्नमेंट के पास पावर है दट ऑन द रिकमेंडेशन दी द जीएसटी काउंसिल दे के नोटिफाई सटेन सर्विसेज और सर्विसेज नोटिफाई करके वो बोल सकते कि अगर ये नोटिफाइड सर्विसेज इफ दीज नोटिफाइड सर्विसेज आर सप्लाइड थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर क्या बोला सर <laughs> समझाऊंगा मैं पहले लिख जाता हूँ बेटा में इफ दीज नोटिफाइड गुड एंड सॉरी इफ दीज नोटिफाइड सर्विस आर सप्लाइड थ्रू एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर सच ईसियो शेल बी ट्रीटेड एज एजीव इज द सप्लायर ऑफ सच सर्विसेज एंड ऑल द प्रोविजन ऑफ द एक्ट विल अप्लाय ऑन ईसीओ सर मतलब टैक्स भी उसको पे करना है क्लियर सारे प्रोविजन भी उस पर लगेंगे बच्चे हा है ना भाई

ओनली सर्विसेस और पता है खास बात एट प्रेजेंट तो केवल पांच सर्विसेस ही बेचा सारी सर्विस भी नहीं बेटा लिख दू क्या बेटा ओनली फाइव सर्विसेसर सुनना बातों ध्यान से सर गवर्नमेंट के पास पावर है किसका पावर बेचा गवर्नमेंट के पास डेट

एग्जाम्पल दूंगा तो मजा आएगा बेटा आपको सर एग्जाम्पल ओला उबर रैपिडो आपने अर्बन क्लिप का नाम सुना बेटे कभी अर्बन क्लिप जिसका नाम अभी अर्बन कंपनी हो गया बेटा है ना आपके लिए एक वो लिख रहा बेटा मैं। वैसे लिखने वाला नहीं था लिख देता बेटा क्या ओए में आप इमेजिनेशन कुछ गलत कर लेते बेटा क्लियर सही करोगे इमेजिनेशन बेटा क्लियर चलो फिर भी लिख देता बेटा मैं आपके लिए धन अभी अभी एग्जाम्पल देता बेटा सर ये एनर्जी अगर आपने मेंटेन कर ली ना सर तो माहौल बना दूंगा सर जीएसटी ध्यान सर <laughs> सर फॉर एग्जाम्पल ओला सर, सर मान लो मैं टैक्सी ड्राइवर बेटा बेटा मैं टैक्सी ड्राइवर मेरी टैक्सी बेटा सर बी एमडब्ल्यू किराए की बेटा सर सर न बात ध्यान से सर मान लो मेरी एक टैक्सी है कार विच इज लिस्टेड ऑन ओला सर विच इज लिस्टेड ऑन ओला सर मान लो क्या नाम सर आशुतोष सर आशुतोष भाई कौन है बेटा सर ओला कंपनी के मालिक बेटा हमारे बीच बेटा आशुतोष भाई सर <coughs> ये ओला कंपनी के मालिक हमारे बीच बैठे बेटा नाम क्या है आशुतोष जी मैं कौन बेटा टैक्सी ड्राइवर आप आपको बेटा पैसेंजर्स सुनो दो मिनट दो मिनट सर दो मिनट पहले ट्रांजेक्शन सीखिए बच्चा क्लियर सर जीएसटी तो पढ़ लेंगे जीएसटी से जीए टैक्स ऑन ट्रांजेक्शन सर ट्रांजेक्शन समझ में आएगा तो जीएसटी समझ में आएगा बच्चा Clear? इसलिए ट्रांजेक्शन सीखना बहुत जरूरी बेटा आपके लिए। okay? सर, सुना बात मजा मस्ती करेंगे वो कोई दिक्कत नहीं पर एग्जाम्पल पढ़ना बहुत जरूरी बेटा अपने लिए सरकार मान लो माल सर तूने मेरा माइंड ब्रष्ट कर दिया बेटा ये ओयो दिमाग मेरा बार बार बेटा है सर ओला कंपनी के मालिक बेटा हमारे बीच बेटा सर सुन से सर ओला कंपनी के मालिक बेटा हमारे बीच कौन आशुतोष भाई मैं हूं टैक्सी ड्राइवर आप पैसेंजर्स सर आपको मान लो यहां से पुणे प्रेस्टीज पॉइंट बाजीराव रोड से कहा जाना बेटा आपको सर <laughs> बुधवार पेट बेटा रेपटो लेके जाना बेटा सर सुना <laughs> पर वैसे बिदौर पेट में है क्या बेटा तो तो क्या है तो मंदिर है अच्छा अच्छा बेटा हाँ हाँ ओके, ओके बेटा सर मुझे पता है कौनक देवी के मंदिर बेटा ध्यान दे बेटा इधर। जहां आप पूजा अर्चना वंदना आरती क्लियर सर से ना जान, दो मिनट के लिए मान लो आपको यहां से सर शुक्रवार पेड़ से आपको जाना है कहा में बेटा कहा जाना बच्चों आपको शिवाजी नगर आपने ओला ऐप ऑन करी बेटा टैक्सी बुक करी नियरेस्ट टैक्सी मेरी थी बेटा मैं टैक्सी लेके पहुंच गया बेटा क्लियर टैक्सी लेके पहुंचा बेटा मैं आपको यहां से पिक किया आपकी जो लोकेशन थी वहां मैंने आपको ड्रॉप किया मान लो यहां से वहां तक का फेयर था रुपीज ₹200 मान लो सर कितना खर्चा 200 क्लियर मैंने आपसे ₹200 लिए या आपने डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से पे कर दिए या ओला मनी से पे कर दिए बेटा आपने क्लियर अब सर इस 200 पे क्या लगता है बेटा 5% जीएसटी बेटा मान लो कितना होता है ₹10 रुपी बेटा

ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बेटा इसने अपना ऐसा शानदार प्लेटफॉर्म बनाया बेटा कि सारे के सारे, सारे सप्लायर और सारे के सारे रेसिपेंट एक ही प्लेटफॉर्म पे क्या हो गए एग्रीगेट हो गए बेटा एक ही प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा हो गए कि सर सप्लायर भी वहाँ पे है, रेसिपेंट भी वहां पे है जिनको भी सर्विस देनी वो भी जाओ सर्विस देनी वो भी वहां पे आ जाओ सर वहां पे ऑनलाइन आपको क्या मिल जाएंगे अपने आप कस्टमर मिलते जाएंगे बच्चा और उसके लिए ओला हमसे कमीशन ले बेटा थोड़ा बहुत हा है ना भाई क्लियर ठीक है सर सर अभी कमीशन छोड़िए सर पहले सर हाँ ध्यान देन देना बेटा हाँ सर उंगली खराब हो जाएगी बेटा बाद में कम आएगी बेटा सर सुनो बात ध्यान से सर इधर ध्यान सर मान लो मान लो सर इधर ध्यान बेटा इन इनकेस ऑफ जीएसटी क्या बोला सर इन इनकेस ऑफ जीएसटी सुनो 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 बेटा अरे मस्त चल रहा है एक्साम्पल अच्छा एक मिनट बोरिंग पढ़ा रहा क्या बेटा मैं मजा आ रहा ना बेटा देना मोबाइल में नहीं बेटा बिल्कुल नहीं बेटा सर मान लो माल सरकार ओला कंपनी सुना ध्यान से ओला एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है ये एक प्लेटफॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स सर देन देना बेटा सर्विस दी किसने बेटा ओला ने नहीं दी बेटा टैक्सी वाले ने दी बेटा क्लियर ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर आप मुझे समझना क्या टैक्सी भी ओला की है क्या नहीं है तो एक्चुअली ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर सर्विस दे कौन रहा बेटा टैक्सी टैक्सी वाला बेटा एक्चुअली सर्विस रेसिपेंट कौन बेटा पैसेंजर्स तो सर्विस सप्लायर कौन टैक्सी वाला सर्विस रेसिपेंट कौन पैसेंजर्स वो कौन है एक प्लेटफॉर्म बेटा जिसने आपने जिसने आपको और मेरे को मिला है हाँ है ना भाई क्लियर अब ऐसे कैसे पूछ जाता है क्या सर सर्विस सप्लायर कौन बेटा बोलो वापस सर्विस अप्लायर कौन टैक्सी वाला सर्विस कौन बेटा पैसेंजर्स। yeah. सर अब देखो सर टैक्सी वाला जो होता है बेटा टैक्सी वाला बेटा। सर इनकी इतनी कमाई नहीं होती है कि सीए अपॉइंट कर ले बेटा जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा दे बेटा क्लियर रिटर्न फाइल कर दे टैक्स पे कर दे सर इतना होता तो टैक्सी चलाते नहीं बेटा ये लोग हा है ना सर इसलिए इसलिए गवर्नमेंट ने देखा कि साहब इनसे तो ना हो पाएगा क्लियर और वहां क्या बोल दिया सर इनसे ना हो पाएगा पैसेंजर कौन है बेटा एंड कंज्यूमर बच्चे आप पैसेंजर से टैक्स ले नहीं सकते बेटा वो तो एंड कंज्यूमर क्या घर घर जाके टैक्स लेंगे गवर्नमेंट बेटा क्लियर ये टैक्सी ड्राइवर इज अन अनऑर्गेनाइज सेक्टर बेटा इतने सर इतने ऑर्गेनाइज वे में काम नहीं करते बेटा कि ये बड़ी बड़ी कंपनीज हो ऐसा नहीं है बेटा ये तो कौन है बेटा यार नॉर्मल टैक्सी वाले बेटा इनसे टैक्स लेना पॉसिबल नहीं है बेटा पर बोला तो, तो बड़ा आदमी यार हा है ना क्लियर करोड़ों का काम कर रहा है दिमाग खरा मत करना ओला यू विल बी ट्रीटेड एज इफ यू आर दी सप्लायर ऑफ सच सर्विसेज यू विल बी ट्रीटेड फॉर दी पर्पज ऑफ जीएसटी एज इफ यू आर सप्लायर ऑफ सच सर्विसेज और आप अगर सप्लायर हो तो टैक्स कौन पे करेगा सप्लायर पे करेगा बेटा तो फॉर दर्पज ऑफ जीएसटी सप्लायर किसको मान लिया बेटा ओला को क्लियर एक्चुअली सप्लायर कौन है बेटा एक्चुअली सप्लायर कौन है टैक्सी वाला अच्छा टैक्सी ड्राइवर में बोल बेटा क्लियर ड्राइवर में तो हो सकता है वो एम्प्लॉय किसी कंपनी का बच्चा क्लियर टैक्सी वाला बोलिए बेटा आप लोग है ना भाई एक्चुअली सप्लायर कौन है बेटा टैक्सी वाला क्लियर एक्चुअल रेसिपेंट कौन है बेटा पैसेंजर से डायरेक्टली टैक्स ले नहीं सकता सरकार बच्चा क्लियर हो तो एंड कंज्यूमर से बचो सर सप्लायर टैक्स पे करेगा नहीं इसलिए ऑन एन एवरेज गवर्नमेंट ने देखा मोटा मोटी तौर पे देखा कि इस इंडस्ट्री के केस में सरकार हम टैक्स नहीं ले पाएंगे किसे सप्लायर से एक काम करो ओला तो, तो करोड़ों का काम कर रहा है यार इतनी बड़ी कंपनी है भाई पकड़ लो इसको बेटा और उसको बोल दिया क्या फॉर दर्पज ऑफ जीएसटी यू विल बी ट्रीटेड आपको पे करना मतलब आपको ही पे करना पड़ेगा भारत माता की जय हा भाई क्लियर अब बताए क्या होता है बेटा वो दो सौ दस रुपए जो लिए बेटा है बेटा दो सो दस ये दो सौ दस के लिए सप्लायर किसको मानेंगे बेटा ईसीओ को और इसमें दस रुपए जो जीएसटी वो कौन पे करेगा बेटा ईसीओ पे करेगा बेटा हाँ है ना भाई क्लियर डन वो 10 रुपए कौन पे करेगा ओला डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करेगा बच्चा भारत माता की जय कुछ समझ में आया पक्का 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 डन तो सर हाँ बेटा सर नॉर्मल ऑटो रिक्शा लिया तो सर उसमें सप्लायर कौन है बेटा ऑटो रिक्शा वाला बेटा कौन टैक्स पे करेगा ऑटो रिक्शा वाला पे करेगा बेटा ठीक है सर वैसे मैं आपको बता देता हूं बच्चा

टे पांच सर्विस फ्लिपकार्ट से क्या बेचते हो गुड्स मीशो से क्या बेचते हो बेटा गुड्स सर मैं बात कर रहा हूं क्या सर्विसेज और वो भी सारी नहीं केवल पाँच उसमें से एक होटल अकोमोडेशन भी है बेटा क्या बेटा होटल अकोमोडेशन जैसे आपका कोई रूम है बेटा जब आप क्लास आते तो तो वहां पे भी क्या है नाइन फाइव बेटा हाँ ना भाई समझ में आया कल क्लास में क्यों नहीं आता बेटा क्लियर सर ये, ये सर ये, सर, ये रहा ये. सर ओयो की सर्विस यूज सर सुनना ध्यान से तो सर इनके सर्वे क्या बोला सर तो वहां पे भी ओयो भी लिस्टेड बेटा हा है ना भाई क्लियर पर बात करेंगे आगे जाके बच्चा हम लोग ठीक है तो पांच सर्विसेज क्या बोला बेटा पांच सर्विसेज क्लियर जहां पे क्या लगता है बेटा नाइन फाइव स्विगी भी कवर है बेटा इसमें स्विग् भी जल्दी बेटा आपको क्लियर सर इसे पेट भरे ना भरे स्विगी से जरूर भरता है बेटा हा है ना भाई सर स्विगी जोमेटो ये भी कवर है बेटा इसमें पर सर ये सारे पॉइंट हम पढ़ेंगे कब

क्या खत्म हो गया बेटा सेक्शन नंबर नाइन खत्म हो गया चलो एक बात और नाइन फाइव में बोल क्या बेटा मैं आपके लिए है नाइन फाइव में क्या बोला है? बताया आपको है बेटा नाइन फाइव में बोला है सप्लायर ऑफ सच सर्विसेज इन पांच कैसे बेटा और हाई सीओ आपको टैक्स पे करना है और हा सुनोधर वापस बोलना सर क्या बोला ईसीओ आपको टैक्स पे करना है और हाँ सुनना आपको ही टैक्स पे करना है और हां सुनना आपको ही टैक्स पे करना है मतलब हा तीन पॉइंट है बेटा आप बोल दिया क्या भली वो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर इंडिया में नहीं है उबर कहा है बेटा आउटसाइड इंडिया वी डोंट केयर टैक्स तो आपको ही पे करना है आपका कोई फिजिकल प्रेजेंस इंडिया में नहीं है वी डोंट केयर। टैक्स तो आपको ही पे करना है। मतलब उस टैक्सी वाले को देख लो बेटा, ना हो पाएगा टैक्स तो इसी को ही पे करना भले वो इंडिया में हो या ना हो उसको अपॉइंट करना पड़ेगा इंडिया में एक पर्सन को आफ, पर पे तो उनको ही करना पड़ेगा सर इसी से कांट कलेक्ट द टैक्स सॉरी

क्लियर अगर आप रजिस्टर्ड हो भले वॉल्टी रजिस्टर्ड हो यू आर टैक्सन बेटा आप हो, आप नहीं कराया तो टैक्स पे करना पड़ेगा बच्चा सर। सर, इन पर जीएसटी लगेगा बट फ्रॉम टू बी नोटिफाइड ऑन द रिकमेंडेशन जीएसटी काउंसिल पर अब तक नोटिफाई नहीं हुआ बेटा पेट्रोलियम क्रूड हाई स्पीड डीजल मोटर स्पिरिट कॉमन नोन एज पेट्रोल

सब एजेंट बोलता है क्या? केस केस में में कौन 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 है? 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 अरे, बता रहा रहा मैं तो पूछ क्लियर सर सुनना गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो चाहे तो कुछ गुड्स और सर्विस और बहुत को नोटिफाई कर सकता है बच्चा यहाँ पे गुड्स भी है पर आपके सिलेबस में नहीं आती इसलिए मैंने बताया नहीं बेटा एक्साम्पल क्लियर कुछ गुड्स और सभी सो से बहुत को नोटिफाई कर सकता है और वहां बोल सकता है क्या या रेसिपेंट विल बी लायबल टू पे टैक्स टू तो दी गवर्नमेंट डायरेक्टली सप्लायर से ना हो पाएगा क्लियर सर और यहां पे रेसिपेंट पर प्रोविजन लगेंगे एज इफ इज द पर्सन लायबल टू पे टैक्स टू दी गवर्नमेंट डायरेक्टली बेटा क्लियर सर सेक्शन नंबर नाइन सब सेक्शन फोर बोलता है क्या सर अगर बिल्डर ने जो रजिस्टर्ड पर्सन है बेटा उसने नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ गुड्स और सर्विस करी किससे किसी भी अनरजिस्टर्ड अं पर्सन से वो तो टैक्स पे कर देगा टू दी गवर्नमेंट द पर्सन लायबल टू पे टैक्स टू दी गवर्नमेंट डायरेक्टली अंडर आरसीएम आरसीएम क्यू बोलते हैं नाइन को ओर नाइन फोर को नाइन आरसीएम क्यों बोलते हैं क्योंकि उसपे रेसिपेंट लायबल होता है ना, सर, बोलता है बोलता क्या पांच सर्विसेज हम नोटिफाई नोटिफाई कर सकते हैं एट प्रेजेंट पांच है बेटा। सर्विसेज ही बेटा वल, नहीं है बेटा वो बोल दिया क्या के पास की तो कुछ को नोटिफाई कर सकता है करके बोल सकता है क्या कि अगर ये नोटिफाइड सर्विसेज आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई करी है किसके थ्रू सप्लाई करी बच्चा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई करी तो ऐसे केस में इो विल बी ट्रीटेड एज इफ इज सप्लायर ऑफ सच है ना भाई एक मिनट as विल बी is the. तो टैक्स कौन पे करेगा सप्लायर और सप्लायर टैक्स पे करता है उसको क्या बोलते हैं बेटा फॉरवर्ड चार्ज मैकेज में उसको रिवर्स चार्ज नहीं बोलते यहां पे टैक्सी वालों को सप्लायर नहीं माना है सप्लायर मान लिया बेटा को अच्छा बेटा पैसेंजर तो था, था ना यार क्या, को किया? क्या? को जगह पे ओला को मान लिया बेटा पर हे लाइबल कौन सप्लायर जहां लाइबल होता है क्या फॉरवर्ड चार्ज क्या बेटा आरसीएम नाइन फाइव क्या बेटा एफसीएम सी है ना भाई अरे क्लियर पक्का हंड्रेड परसेंट गुड तो सर मैं आपकी जस्ट याद रहे आपको इसलिए लिख रहा हूं बेटा यहां पे क्या हाय न मालिक अरे ऐसे नो ओके okay, तो सर ये होता है सेक्शन नंबर नाइन सब सेक्शन फाइव खत्म इसी के साथ पूरा सेक्शन नंबर नाइन खत्म होता है अब अच्छा सुन ये था आपका चार्जिंग सेक्शन बेटा क्लियर जैसा आपने सेक्शन नंबर नाइन पढ़ा है चार्जिंग सेक्शन अंडर सीजीएसटी एक्ट सेम सेक्शन है सेक्शन नंबर फाइव अंडर आईजीएसटी एक्ट कहा बच्चे आईजीएसटी का सेक्शन नंबर फाइव क्या है बेटा वहां चार्जिंग सेक्शन अच्छा सुनना यहां लिखा है क्या इंटरस्टेड वहां लिखा होगा क्या इंटरस्टेड क्लियर यहां लिखा है मैक्सिमम रेट कितनी होती बेटा वहां कितनी लिखी होगी सर सर मैक्सिमम कितनी लिखी होगी बेटा फोर्टी परसेंट ना भाई यस अरे क्लियर सर खत्म दो मिनट जल्दी में नहीं करना क्लियर सेक्शन फाइव ऑफ दी आईजीएसटिक अगेन क्या बेटा इसका चार्जिंग सेक्शन क्या बेटा ये चार्जिंग सेक्शन क्लियर जल्दी मत करना एक आएगा बस बेटा सेक्शन नंबर फाइव सेक्शन वन अच्छा मैं नहीं बोलूंगा आप बोलेंगे बेटा मेरे को आई जेस टी शेल बी लेविडर ध्यान सर आई जेटी शेल बी लेविड ऑन इंटर स्टेट सप्लाई गुड्स और सर्विसन परसेंट नॉट मोर देन फोर्टी परसेंट ऑफ वॉट वैल्यू ऑफ सच गुड्स और सर्विस एंड इट बी पेबल बा डिफरेंस क्या है बेटा केवल फोर्टी परसेंट वाला है बेटा प्लस ये इंटर पे लगेगा ऑब्वियसली बेटा हाँ है ना भाई खत्म बस एक यहां पे प्रोवाइज और एक्स्ट्रा है बेटा एक बात और लिखी बेटा यहां पे बता दू मैं आपको क्या बेटा <coughs> वो बात बताऊंगा बेटा मैं आपको क्लियर चलिए एक बार दो मिनट सेक्शन नंबर फाइव सब सेक्शन टू बताओ मुझे क्या होगा बेटा वहां पे वहां पे नाइन टू क्या था बेटा सेक्शन नाइन था बेटा वो पांच गुट याद क्या बच्चे तो उन पांच को इंटरस्ट बेचो या आरसीएम याद है बेटा आपको अब रिकवरी एजेंट विद इन द स्टेट सर्विस दे या इंटरसेट सप्लाई दे बेटा क्या लगेगा बेटा आरसीएम डॉनस में कौन लाए है बेटा कौन हा है ना भाई

क्लियर सर सेक्शन नंबर फाइव सब सेक्शन नंबर फाइव याद है बेटा ईसीओ हा है ना भाई क्लियर वो पांच सर्विसाइव लगता है वही पांच सर्विस में इंटर सेट हुआ तो क्या लगेगा फाइव फाइव और क्या लगता है बेटा आई जी एस टी और ऐसी ईसीओ विल बी ट्रीटेडीओ सप्लायर ऑफ सच सर्विस बच्चा भारत माता की जय खत्म क्या भाई बोलो बच्चों तो भी कुछ नहीं होने वाला बेटा ठीक है सुनना बात ध्यान से बेटा सेक्शन नंबर फाइव सब सेक्शन नंबर फाइव समझ में आया बेटा आपको ये यस yes. सुनना अब यहां पर एक प्रोविजो दे रखा बेटा पता है क्या कुछ आइडिया बेटा आपको तो सुनो ना फिर ध्यान से सर क्या बाय बोलो बच्चों सर मान लो मान आपने कोई गुड्स इंपोर्ट करी अरे क्या इंपोर्ट किया जो आप बोल रहे थे वो तो यहाँ कवर थी बेटा है ना क्लियर सर्विसेज जो इम्पोर्ट कितनी बेटा याद आया बेटा आपको क्लियर उसकी बात नहीं करा मैं किसकी बात करा बेटा अभी हाँ इंपोर्ट ऑफ गुड्स में क्या लगता है बेटा ढंग से बोलो क्या लगता है कस्टम्स क्या लगता है बेटा कस्टम कस्टम के साथ में आईजीटी भी लगता है नहीं आई सर सुनना बात ध्यान से सर 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 सुनना बात ध्यान से इंपोर्ट ऑफ़ गुड्स तो यहां प्रोवाइज लिख के बोला बेटा क्या उधर देखो कस्टम्स सिलेबस में नहीं आता बच्चा ठीक है यहां प्रोवाइज से बेटा लिखा है क्या ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स कस्टम न्यूटी पर कस्टम के साथ साथ में क्या लगेगा आईजी भी लगेगा

कलर चेंज करते हैं बेटा कौन सा कलर लो बेटा पिंक तो ऑलरेडी है ना बेटा यार अभी यहाँ आपको रेड दिख रहा है बेटा ये नहीं नहीं वो पिंक है बेटा तो चलो रेड ले लेते दे बेटा देखते रेड हो सकता पिंक दिखे बेटा आपको सर मान लो अच्छा यहाँ पे प्रोजेक्टर की लाइट थोड़ा डीम होगी इसलिए दिख रहा है आपको और पीछे से शेडो भी आ रहा है सर इसमें सर रेड ले लेते बेटा बस ग्रीन चलो हाँ ब्लैक 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 से दिखेगा बेटा यस ध्यान देन देने बेटा व्हाइट पे व्हाइट नहीं करने का बेटा कभी भी ठीक है सर समझे बेटा व्हाइट पे ब्लैक ही रहता बेटा है ना ध्यान देना बच्चा सर, सुना ध्यान से। स्पेसिफाइड एक्शनेबल स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स एग्जाम्पल दू बेटा मैं इसको लॉटरी बेटिंग गेमलिंग ऑनलाइन मनी गेमिंग कसिनोज ये सब इसमें आते हैं बेटा क्लियर जंगली रमी पे आओ ना महाराज और अगर महाराज वहां पहुंच गए तो लग गए जीएसटी बेटा ध्यान क्लियर यहां लिखा है क्या सरकार सुनना <clears throat> भाइयों सर इंपोर्ट ऑफ गुड्स क्या बोला सर इंपोर्ट ऑफ गुड्स स्पेसिफाइड एक्सटर्नल क्लेम को भी गुड्स मानते हैं बेटा क्या मानते बेटा गुड्स अगर कोई वेबसाइट आउट ऑफ इंडिया की बेटा काकी वेबसाइट है बेटा आउट ऑफ इंडिया की और उससे आपने ऑनलाइन मनी गेमिंग खेला है बेटा क्लियर सर सुनना बात ध्यान से आपने मान लो सट्टा खेला बेटा जुआ खेला सर ऑनलाइन मनी गेमिंग बेटा आउट ऑफ इंडिया की वेबसाइट से आपने मान लो जंगली रमी जंगली रमी पर आओ ना महाराज और सर जंगली रमी कहा का था बेटा मान लो श्रीलंका की वेबसाइट है सर

इंटरसेप्ट लगता है क्या इंटरसेप्ट लगता है क्या आई जीएसटी इंटरस्ट लगता है क्या सी जीएसटी और एस जीएसटी तो अल्टीमेटली जीएसटी लेवी कब होता है बच्चा सप्लाई पर सो व्हाट इज द टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी सप्लाई मतलब सप्लाई होगा तो जीएसटी लगेगा सप्लाई नहीं होगा तो जीएसटी नहीं लगेगा भारत माता की जय क्लियर

वैसे चैप्टर नंबर वन के मैक्सिमम पॉइंट मैं कल और आज का जो डिस्कशन था बेटा उस बात कर चुका हूं पर अभी आप बुक से मत पढ़ना बेटा ठीक है इसको हम लास्ट में देखेंगे पर हाँ जीएसटी बेटा ठीक है सर देना यहां मैंने लिखा है क्या सी जी एस टी एक्ट और आई जी एस टी एक्ट के सिलेक्टेड प्रोविजन हमारे कोर्स में आते हैं बेटा पर एस जी एस टी एक्ट हमारे कोर्स में नहीं आते बेटा इसलिए हम एस जी एस टी एक्ट नहीं पढ़ेंगे बेटा ठीक है सर

इसको रखना पेंडिंग किसको इंडिया की डेफिनेशन बेटा ये हम बात करेंगे कल बेटा हा है ना भाई क्लियर फिर यहां से मैंने दे रखा है क्या ऑफ ऑफ लेवी एंड कलेक्शन जीएसटी बेटा क्लियर ये है घूम लो और ये है झूम लो दोनों पे जीएसटी नहीं है हा है ना भाई क्लियर ठीक सर ये टैक्सेबल इवेंट तो सर ये हम यहां से पढ़ेंगे कल तो देखा जाए तो मैंने केवल एक पेज पढ़ा है बेटा आपको हा है ना बेटा क्लियर पर सर यहां तक आप भले एक पेज बेटा जो भी पढ़ा है जितना भी पढ़ा है मैंने आपको बेटा क्लियर उसको रिवाइज करके आइएगा प्लस जो मैंने यहां लिखा है वो आप जरूर अपने बुक में मैं आपको स्लाइड्स ओपन कर रहा हूं बेटा आप एक क्लिक कर लीजिए ब्रेक में उसको कॉपी कर लेना बेटा आप समझो वही मेरा होमवर्क है बेटा एक तरह से क्लियर सर हाँ प्लस आ, इसका पीडीएफ ठीक है आपका ग्रुप कौन सा है टेलीग्राम पे ओके ठीक है मैं टेलीग्राम ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगा बेटा आपने एक तो वाला ग्रुप है ना बेटा अपना

ठीक है तो सर मैं ये नहीं करेंगे रही उनके होमवर्क मत करिए बेटा वो तो पढ़ना ही पढ़ना है पर एट द सेम टाइम इसको साथ साथ में आपको रिवाइज करना है बेटा हाँ है ना भाई क्लियर चलिए सरकार ये आप प्लीज स्लाइड्स को कॉपी कर लीजिए बेटा भारत माता की जय कहां से मैंने पढ़ाया बेटा अभी नाइन वन से चलिए क्लियर डन हाँ भेज दूंगा मैं ग्रुप में भेज दूंगा अभी भेज दूंगा बेटा और जिन्होंने गूगल ड्राइव लेक्चर लिया बेटा उनके लिए आपकी ड्राइव जो है वहां पे भी क्लासरूम नोट्स में अपलोड कर दूंगा पीडीएफ फाइल बेटा ओके डोंट वरी फॉर दैट और हाँ जो जिन्होंने ऑनलाइन गूगल ड्राइव लेक्चर लिया बेटा उनके चैप्टर वन और टू का पीडीएफ आपको मिल जाएगा आज मिल जाएगा वैसे अपलोड करा देता रात को मैंने नहीं हुआ तो आज करूंगा डोंट वरी बेटा चैप्टर बुक से नहीं पढ़ना बेटा आपको ठीक है ओके डन okay, सरकार थैंक यू सो मच मस्त होके पढ़िए खुश होके पढ़िए विच इज मोर इंपॉर्टेंट एंड ऑल द बेस्ट एंड हैव अ गुड डे माहौल जबरदस्त शानदार थैंक यू सो मच